नमस्कार, आज हम आपको दिखा रहे हैं कोरोना वायरस से लड़ती हुई दिल्ली का हाल। ये देखिए, अभी हम मौजूद हैं इंडिया गेट के इलाके में। ये आमतौर पे बेहद गुलजार रहता है। देश के दूसरे हिस्सों से और दुनिया के दूसरे हिस्सों से बड़ी संख्या में यहाँ सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं। और आप देखिए कि आसपास बहुत बड़ा इलाका है, हरियाली है, जहाँ पे लोग लंबा समय बिताते हैं। लेकिन आज इस पूरे इलाके को बंद कर दिया गया है। यहाँ पुलिस की बैरिकेडिंग है। और ये हाल सिर्फ इंडिया गेट का नहीं है, दिल्ली के तमाम वो दूसरे इलाके जहाँ पे आमतौर पे आपको काफ़ी भीड़ भाड़ और चहल पहल दिखाई देती थी, वो भी आज पूरी तरह से सुनसान दिखाई देंगे। दिल्ली लड़ रही है कोरोना वायरस से और जनता कर्फ्यू को पूरी तरह सपोर्ट कर रही है। अब हम लेके चलेंगे आपको दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी और देखेंगे कि वहां क्या है हाल। और अब हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में, जिसे राजीव चौक के नाम से भी जाना जाता है। आम दिनों में आपको यहाँ क्या दिखाई देगा? बड़े बड़े शोरूम, महंगी गाड़ियाँ, और ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ तमाम तरह के सामान बेचने वाले और उसके खरीदार। लेकिन आज अगर आप यहाँ पसरी खामोशी को महसूस करें तो आपको सुनाई देगी चिड़ियों की चहचहाहट। हमेशा भीड़ और शोर से भरे रहने वाले इस इलाके में आज सिर्फ परिंदों का डेरा है। अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली के लाल किला के सामने। ये वही लाल किला जहाँ प्रतिदिन हजारों पर्यटक लाल किला का दीदार करने आते हैं। और लाल किला एक प्रसिद्ध स्थल तो ही है, इसके साथ ही इसके जस्ट सामने में अगर बात करें तो चांदनी चौक बाजार है। चांदनी चौक बाजार के ठीक पास में जामा मस्जिद है। वहीं इस रोड के ठीक सामने फतेहपुरी मस्जिद है, तो किनारी बाजार है। और तमाम जो अगर मार्केट की बात करें तो यहाँ वो बाजार है जो 24 घंटे और 365 दिन लोगों की भीड़ भाड़ से अटे रहते थे। इतनी भीड़ रहती थी कि पांव रखने की जगह ना हो। लेकिन कोरोना का भय यहाँ साफ नजर आ रहा है। वो आज प्रधानमंत्री की जो अपील है जनता कर्फ्यू की, वो भी यहाँ साफ नजर आ रही है। सड़कें पूरी तरह से खाली है और एक सन्नाटा सा छाया है। वहीं अभी एक रेलवे ने भी बड़ी घोषणा की है कि 31 मार्च तक सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। जो जहां है वो वहीं रहेगा। और कोरोना का उपचार ही यही है कि सतर्कता ही बचाव है। और इस पत्रिका की भी आपसे यही अपील है कि आप लोग भी जितना हो सके सतर्कता बरतें, वह घर पर रहें, वह सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें। पत्रिका के लिए विवेक श्रीवास्तव, दिल्ली से।